नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्ट 8। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस किए थे कुछ। अब हम 8 क्वेश्चन करवाता हूं। पहले मैं एक बार एक्सरसाइज 5.3 8th क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई with respect to x when x and y are connected by the relation x square plus xy plus y square is equal to 1। वो इस रिलेशन से कनेक्टेड है तब हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब जो ये गिवन है, पहले तो लेट कर लेते हैं, जो भी गिवन है उसको जेड लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब डी जेड बाय डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो जब dz by dx निकालना होगा, dz by dx किसके इक्वल होता है, पहले z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 प्लस फिर x z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर y का डेरिवेटिव dy by dx x के रिस्पेक्ट में। ये समझ में आया क्या नहीं, जैसे हम t के लिए नहीं करते थे कि भाई u इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y एंड x एंड y फंक्शंस थे t के, तो वहां से हम dz by du by dt इस टाइप से निकालते थे। लेकिन यहाँ ये फंक्शन ऑफ x दे रखा है समझो, ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। देखो जैसे हमने ये सीखा था, मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ कि u फंक्शन है टू वेरिएबल x y के एंड x फंक्शन ऑफ t, y भी क्या है फंक्शन ऑफ t। तो जैसे du by dt निकालना होता था तो हम क्या करते थे, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर dx by dt, फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर y का t के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहां पर स्टार्टिंग में क्या गिवन है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां विद रिस्पेक्ट टू टी निकाल रखा है, ठीक है। तो यहां जो डी टी लिखा हुआ है ना, उसकी जगह बस डी एक्स पुट कर दो। देखो डी यू बाय डी एक्स क्या जाएगा भाई, यहां जेड यूज कर रखा था, कोई बात नहीं, कर ली जेड बाय कर ली एक्स और डी एक्स बाय डी एक्स कैंसिल होके 1, ये 1 आ गया, प्लस कर ली यू बाय कर ली वाई, यहाँ पर कर ली जेड बाय कर ली वाई और फिर डी वाई बाय डी एक्स आएगा, डी टी की जगह क्या पुट कर रहे हम डी एक्स, ठीक है, आया समझ में आगे। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब इसमें जो जो वैल्यूज है वो इसमें पुट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जेड गिवन है हमें एक्स स्क्वायर वाई, तो कर ली जेड वाई कर ली एक्स क्या आ जाएगा 2xy, ऐसे ही कर ली जेड वाई कर ली वाई किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर के, ठीक है। और अब रिलेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x, एक्स इंटू वाई का एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा
और y का फिर से dy बाय dx और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट देखो कैसे करते हैं, यहां से 2x प्लस वाई हो गया और बाकी दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस के, x प्लस 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास, माइनस के 2x प्लस में वाई अपॉन में x प्लस 2y, ठीक है। तो एक तो ये है डी वाई बाय डी एक्स आ गया, ये कर ली जेड वाई कर ली एक्स है, ये कर ली जेड वाई कर ली वाई, इन सब की वैल्यूज हम डी जेड बाई डी एक्स में यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो क्या आ जाता है, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स आएगा 2xy बन गया ये, तो प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है माइनस के 2x प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y, ठीक है। बस फिर एलसीएम लेना है x प्लस 2y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² y और प्लस के 4xy² माइनस के 2x³ माइनस के x² y, ठीक है, ये आ गया है। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आ जाता है x² y प्लस 4xy² माइनस 2x³ अपॉन में एक्स प्लस 2y, एक्स कॉमन ले लो चाहे यही आंसर लिख दो, ठीक है। ये क्या आ गया डी जेड बाय डी एक्स, जो हमें गिवन था x² y उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एट क्वेश्चन हो गया, नाइन्थ क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, नाइन्थ बिल्कुल सिंपल है। टेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेंथ देखो क्या है, इफ एक्स गिवन है यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर और वाई गिवन है टू यू वी, तो अब हमें कर ली यू बाय कर ली एक्स, कर ली यू बाय कर ली वाई, कर ली वी बाय कर ली एक्स, कर ली वी बाय कर ली वाई, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन वन ही लिख लेते हैं, टोटल को दोनों को इक्वेशन वन लिख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन वन पार्शियली, पहले किया हुआ कल जो किया था पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ वन आ जाएगा, इधर आएगा टू यू कर ली यू बाय कर ली एक्स, टू वी कर ली वी बाय कर ली एक्स, एक इक्वेशन ये बन गई। अब जब इस सेकंड वाले का करोगे पार्ट, जीरो टू यू कर ली वी बाय कर ली एक्स प्लस में वी कर ली यू बाय कर ली एक्स, इसको इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम यहां से क्या करते हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करें सेकंड और थर्ड को, कैसे कर सकते हैं भाई, इसको दूसरी साइड लेके टू कॉमन लेकर कैंसिल, माइनस के यू बाय वी और इनटू कर ली वी बाय कर ली एक्स, दिस इज इक्वल टू कर ली यू बाय कर ली एक्स, कर ली यू बाय कर ली एक्स आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं, तो वन इज इक्वल टू 2u इंटू माइनस के u अपॉन v कर ली v बाय कर ली x माइनस 2v कर ली v बाय कर ली x, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहां से, 1 इज इक्वल टू माइनस के 2u² अपॉन v माइनस के 2v और इधर आ जाता कर ली u बाय कर ली x, तो माइनस के 2 कॉमन तो u² प्लस वी स्क्वेयर अपॉन वी कर ली यू बाय कर ली वी,
ये वी है, करली वी बाय करली एक्स। तो करली वी बाय करली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस इज माइनस के वी बाय टू यू स्क्वेयर प्लस में वी स्क्वेयर, ये करली वी बाय करली एक्स है। अब करली यू बाय करली एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो जो करली वी बाय करली एक्स की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो, उसको माइनस यू बाय वी से मल्टीप्लाई, माइनस के यू अपॉन वी इंटू माइनस के वी बाय टू यू स्क्वेयर प्लस में वी स्क्वेयर, वी से वी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज यू बाय टू यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ये करली यू बाय करली एक्स आया। सिमिलरली अब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वहां से हमारे पास करली यू बाय करली वाई आ जाएगा और ऐसे ही करली वी बाय करली वाई। तो ये अब कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, और ये तो सेम है अभी पहले जो 9th है, 11th है, 12th, तो 12th तक क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। उसके बाद देखो मैं आगे का एक फॉर्मूला और बताता हूँ। अब आ जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस में कैसे होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो और एनी कॉन्स्टेंट टाइप से आ जाए तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ क्या होता है, पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब जब ये डी वाई बाई डी एक्स जीरो का या सी का किया है तो लेफ्ट साइड में तो किसके इक्वल आएगा, वो जीरो के कॉन्स्टेंट है। राइट साइड जो बची है यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स सोल्व करके निकाल सकते हैं, ये क्या जाता है माइनस के कर ली एफ बाई कर ली एक्स अपॉन में कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, दिस इज माइनस के एफ एक्स अपॉन में एफ वाई, वेयर एफ वाई नॉट इक्वल टू जीरो, एफ वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो है फर्स्ट डेरिवेटिव। ऐसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो इक्वेशन आई है हमारे पास मैं वो लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर मान लो वन है, ठीक है। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो इस साइड तो जीरो है, मैं राइट साइड में क्या है डी बाई डी एक्स हो जाएगा कर लिए एफ बाई कर लिए एक्स का, प्लस में डी बाई डी एक्स और कर लिए एफ बाई कर लिए वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू जी। तो अब देखो यहां से ध्यान से देखने वाली चीज क्या है कि करली एफ बाई करली एक्स एक्स और वाई का फंक्शन है, तो पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन, अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई का क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब हम इसका करते हैं यू इन टू, इसे पहले कर ली एफ बाई कर ली वाई एज इट इज, और इसका आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, अब इसका कैसे करोगे करली स्क्वेयर एफ बाई करली एक्स करली वाई, और डी एक्स का डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में वन, करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई स्क्वेयर, और वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? देखो इसमें हमने क्या किया है मैं बताता हूँ दोबारे से, इसमें सबसे पहले ये इक्वेशन वन है करली एफ बाई करली एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हो
तो यहाँ इसके बाहर भी डी वाई बाई डी एक्स और इसके बाहर भी डी वाई डी एक्स लिख दिया हमने, बस यही लिखा है। ठीक है, अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे, ये तो एक्स और वाई का फंक्शन है, तो पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट में, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये फर्स्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट का कैसे कर रहे हैं, यू इन टू वी से, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस में सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का। अब ये भी टू वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई का, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब क्लियर है? ठीक है, तो अब जो डी वाई बाई डी एक्स आया है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू भी हमें पुट करनी है। पहले इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, जो मैं इसको लिख सकता हूं, ये एफ डबल एक्स लिख सकते हैं इसको, प्लस ये हो गया एफ एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स है माइनस के एफ एक्स अपॉन में एफ वाई, प्लस में ये हो जाएगा एफ वाई और डी टू वाई बाय डी एक्स के, प्लस में डी वाई बाई डी एक्स क्या है माइनस के एफ एक्स अपॉन में एफ वाई, और आगे क्या आएगा इसका, ये आ जाएगा एफ एक्स वाई प्लस अच्छा ये अंदर ही है ना, प्लस में ये हो जाएगा एफ वाई वाई और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स क्या है माइनस के एफ एक्स अपॉन में एफ वाई इक्वल टू जी। ठीक है, तो अब देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं, एफ एक्स एक्स एक तो ये है वन टाइम, और एक ये है माइनस के टू एफ एक्स वाई इंटू एफ एक्स अपॉन में एफ। ठीक है, और ये एफ वाई वाई और माइनस के एफ एक्स अपॉन एफ वाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस के एफ एक्स वाई एफ वाई वाई है, सॉरी एफ एक्स का स्क्वेयर अपॉन में एफ वाई का स्क्वेयर, और प्लस में एफ वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, दिस इक्वल टू 0। फोर टर्म्स आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में है एफ वाई का स्क्वेयर, एफ वाई का स्क्वेयर है तो हम क्या करते हैं, एफ वाई के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ जाता है एफ एक्स एफ वाई का स्क्वेयर माइनस के टू एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई आ जाएगा, प्लस के एफ वाई वाई एफ एक्स का स्क्वेयर, और इसको दूसरी साइड में ले आए तो माइनस के एफ वाई की क्यूब हो गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आ गई है, देयरफॉर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एफ एक्स एक्स एफ वाई का स्क्वेयर माइनस के टू एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई प्लस में एफ वाई वाई एफ एक्स का स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाता है एफ वाई की क्यूब। ठीक है, ये डबल डायरेक्ट, तो इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख के और हम इस टाइप से डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स ये किया। और देखो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखो, इसके अकॉर्डिंग मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, जेड गिवन है एक्स इंटू वाई एफ ऑफ वाई बाई एक्स, यहां से तो सिंपल है जेड इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, जेड इज कॉन्स्टेंट,
देन हमें शो करना है एफ डैश वाई बाई एक्स अपॉन में एफ ऑफ वाई बाई एक्स किसके इक्वल है, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में y इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी। ये तो सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर वन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू भाई, एक मेथड तो ये है कि हम इसका डेरिवेटिव करें डायरेक्ट, ठीक है भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में। भाई जेड क्या है, एनी कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो जेड का क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा लेफ्ट साइड, क्यों, जेड हमें कांस्टेंट की होना, ये हो गया भाई, वाई तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो एफ ऑफ वाई बाई एक्स आ गया, ठीक है। वाई कांस्टेंट नहीं, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो भाई वाई और ये एच डीज रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस अब एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पर एफ ऑफ वाई बाई एक्स आ गया, ये यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में हो गया। अब एक्स इंटू वाई एज इट इज एफ का क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स का आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये किया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा जीरो को राइट साइड में लिख दूंगा, ये आ जाता है वाई इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस में एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाई में एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो आ जाता है वाई बाई एक्स, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे उस एक्स से भी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के वाई एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस के ये एक्स बचा है वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं, पहले तो f कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से f कॉमन, f ऑफ y बाई एक्स कॉमन, अंदर क्या रह गया y प्लस में x dy वाई बाई डी एक्स, इसको दूसरी साइड ले जाएं तो y स्क्वेयर अपॉन x, f डैश कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, और माइनस के क्या आ जाता है वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और बाहर आ गया एफ डैश वाई बाय एक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एफ ऑफ वाई बाय एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, एक वाई कॉमन, एक्स एलसीएम आ गया उसको बाहर लिख लिया, वाई माइनस के एक्स डी वाई बाय डी एक्स इंटू एफ डैश y by x। अब जो प्रूव करना है f डैश ऊपर लिखना है और अपॉन में f है, तो इस वैल्यू को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो y प्लस में x dy by dx, और ये जो x नीचे ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये y आ गया y माइनस के x dy by dx इज इक्वल टू f डैश y by x अपॉन में f ऑफ y by, ये आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके हमने सेपरेट किया, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा, बाकी के आप इसके एग्जांपल्स करना, और जो क्वेश्चंस हैं लास्ट के वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।